हेलो नमस्कार दोस्तों, आज सुबह की शुरुआत हुई है नानक मत्ता से। पीछे आपको दिख रहा होगा नानक सागर डैम। मेरे साथ है हमारे सौरभ भाई, पुष्कर भाई, एक बार हेलो कह दीजिए। हेलो, हाय। काफी अच्छा लग रहा है यहाँ का नानक मत्ता डैम का। यहाँ दिख तो कुछ नहीं रहा है, कोहरे से फिर भी चारों तरफ कोहरा कोहरा है दोस्तों। देखिए काफी लोग बोटिंग भी कर रहे हैं अभी, इसके बाद देखेंगे अगर मन करेगा तो हम भी कर लेंगे। हाँ, कोहरे में बोटिंग का अपना अलग मजा है। फिलहाल अभी हम रुके हैं यहाँ पे, ये पहाड़ी भुट्टा खा बन रहा है अभी, माइंड फ्रेश करने के लिए और अपने कुछ यादगार पलों को कैप्चर करने के लिए हम रुके हुए हैं। अब हम पहले भुट्टो का स्वाद लेते हैं और हेमू भाई को कुछ बहुत नाश्ता करवाते हैं। मैंने तो 5 पराठे खेल रखे भाई, सुबह सुबह 5 पराठे। बाप रे, कितने बजे कर दिया आपने शुरू दुकान? ये भैया जी मैंने 9 बजे लगा दी। कितने बजे तक रहते हो यहाँ? यहाँ भैया जी 5-5:30 बजे तक। कैसा हो रहा है स्वाद? बहुत स्वाद काफ़ी अच्छा हो रहा है, नींबू लगा के तो कुछ और ही टेस्ट है इसका। बहुत ही मज़ेदार हो रहा है। ठंडे के टाइम पे देखिए मज़े लिए जा रहे हैं भुट्टे के। मुँह से खाइए भैया जी, ये छटा के खाने वाला नहीं है, मुझे खाने वाला। हाँ जी, थोड़ा पेट पूजा करने के बाद हम आए हैं नानक सागर डैम में। इसके अंदर बड़ी बड़ी मच्छी है, 10 केजी की मच्छी है इसके अंदर। अभी हम नाश्ता करके आ चुके हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के। वो भी है वो लवर बॉय। लवर बॉय या लवर पॉइंट? लवर पॉइंट तो है, लवर पॉइंट है। जो भी इसमें बैठ गया, जो भी कपल बैठ गए उनका शादी होना फिक्स होता है। अच्छा, इस वाले में? इस वाले में लवर पॉइंट। अरे इसमें तो पीपल के पेड़ उग रहे हैं, छीड़िया भी है। अभी तो खाली रिहर्सल है ये अभी हमारे साथियों के द्वारा देख सकते हैं कितना मजा किया जा रहा है। यार ऐसा नहीं करना है, वो रेलिंग को पकड़ के ऐसे हल्का उछलना है वहीं पे। ये वो खाली ऐसे उछलना है। चलो चलो दोबारा से रीटेक करो। ये रिहर्सल है, दौड़ के खाली रेलिंग पकड़ के ऐसे उछलना वहीं पे। हेलो, पहले भी उछलना है, पहले रेलिंग पकड़नी फिर उछलना है। हंसना नहीं है, सीरियस होना है। ऐसा लग रहा है कि बहुत डिप्रेशन में है सर। ये सही है। अब स्लोमो सुनना। हाँ, अब ये फाइनल कट होगा, ठीक है? 3, रुक जाओ, 3-2-1 तो कहने दो। 3-2-1। ये सही है, ये देखो। काफ़ी देर मौज मस्ती करने के बाद, फोटोग्राफी करने के बाद हम चलेंगे अपने गंतव्य के लिए और कुछ काम है, उसके बाद फिर निकलेंगे पिथौरागढ़ शाम के टाइम पे। समय 12:15 हो चुका है। अच्छी वाली पोज बताओ ना, ये सही नहीं कर पा रहे हैं। पेड़ अंदर कर थोड़ा। और बता। दोनों आते सर। हाँ, हर चीज़ बतानी पड़ ली तेरे को यार।
और गर्लफ्रेंड बनाया बोलता है बहुत चल हो गया बहुत काफ़ी सारा एंजॉय करने के बाद अभी हम निकल पड़े हैं खटीमा की तरफ। अब उसके बाद कुछ काम है हमारा, वो निपटाने के बाद फिर चलेंगे हम अपने गंतव्य के लिए। तो दोस्तों आज तो इतना ज़्यादा काम रहा दिन में पूछो ही मत, और अभी हम निकल पड़े हैं अपने गंतव्य के लिए पिथौरागढ़। आज तो मुझे लगता है कि रात के 12 बज जाएंगे पहुँचते पहुँचते, जल्दी पहुँच गए तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। फिलहाल अभी हम पहुँच चुके हैं चंपावत डिस्ट्रिक्ट में टनकपुर, और एक ख़तरनाक फल लेकर आए हैं आज, तो पहली बार देखा मैंने, और सौरभ भाई ने भी मुझे लगता है पहली बार देखा। सौरभ भाई क्या कहना चाहेंगे? यार वो तो मैंने आज पहली बार ही देखा, पता नहीं क्या है वो, अब खा के टेस्ट आएगा क्या है उसका स्वाद। दुकानदार से पूछा हमने क्या है इसका नाम, तो कहने लगा कि ड्रैगन फ्रूट है। हमने कहा चलो यार अब ड्रैगन फ्रूट है, ऐसा खतरनाक नाम है तो चलो देखते हैं, और अभी दिखाते हैं एक बार ड्रैगन फ्रूट आखिरकार है कैसा। दिखाओ ये छिक्कर खा पहले तब क्या स्वाद का मजा आएगा। अजीब स्वाद है यार कड़वा। ये भाई ये, अरे अंदर से है यार, ये अंदर से तो बड़ा गजब लग रहा है, ये तिल है इसके अंदर है। भाई गॉड कह रहा हूँ, इसमें बाहर भी हुआ था भाई एसएससी में आईटीबीपी में। मुझे खा के टेस्ट करके तो बताओ पहले, पहले पीछे वाले को। चलो पीछे वाले को ही दो, तो टेस्ट करके बताओ, बताइए कैसा हो रहा है। पकड़ो, अरे मेरा हाथ हो गया, अजीब सा हो रहा है यार, इसका तो कोई स्वाद ही नहीं आ रहा है। कैसा है सौरभ भाई स्वाद? एक बार आप ही टेस्ट करो यार। अरे क्या ये बाप रे, क्या इसके अंदर काले काले दाने क्या है बता? तिल है भाई ये, अभी हम पहुंचे हैं चंपावत में लजीज वाइब्स स्वाद ए देहरादून रेस्टोरेंट में जा रहे हैं हम, और यहाँ देखो क्या क्या आइटम हम मंगाते हैं। भाई मेरे यहाँ पर फॉर भी बहुत मस्त मस्त हैं। हमारा कोई इरादा नहीं था यहाँ वीडियो बनाने का, लेकिन सौरभ भाई ने थोड़ा कहा कि उनको अच्छी वाइब्स आ रही हैं, तो इस वजह से हम यहाँ आए लजीज वाइब्स में। अभी फ़िलहाल हमने मंगाई है कॉफ़ी और चाय आ रही है, इसके अलावा भी खाने के काफी कुछ आइटम आ रहे हैं। बस चाय, मैं तो चाय पीऊंगी। डोसे का भी ऑर्डर दिया है। आप क्या खाना चाहेंगे? इनके लिए आ रहा है मैगी नहीं नूडल्स। प्लेट तो बड़ी जोरदार है, काफी अच्छी है। काफी पुराने जमाने में जैसे संदूक में सोना भरे रहते हैं उस टाइप की है। संदूक आए क्या है? संदूक टाइप की है। तो ये आ चुकी है चाय। गले लगेगा भाई आसाना मत। अच्छी है। आ चुकी है मैगी। भूख तो लग रही है। कैसा हो रहा है? अच्छा। ज़्यादा मिर्च है? स्पाइसी। मीठा हुआ है? मीठा मीठा। चाय की क्वालिटी वो लग रही है यार। आ चुका है डोसा। भाई चटनी भी तो बन गई है। मस्त हो रहा है यार। ये आ चुका है काठी रोल, तो टेस्ट करके बताइए। सही है, थोड़ा सा मैंने पकड़ दिया। मैंने करारे वाले ने बनाए ना ये। टेस्टी है। तो आज हम आए हैं लजीज वाइब्स टेस्ट है देहरादून नाम के ये कैफे में जो है टनकपुर, सॉरी ये चंपावत में, और हमें यहाँ काठी रोल खाने का अवसर प्रदान हुआ है, तो आज एक बार टेस्ट करते हैं, और इसके बाद अगर ये अच्छा होगा तो जब भी आएंगे काठी रोल जरूर खाएंगे। चलो एक बार टेस्ट तो करोगे। ऐसा लग रहा है रोटी में कुछ सब्जी लपेट के हमें दिए, ठीक है बढ़िया है, गरम गरम गुनगुने हो रहे हैं। तो दोस्तों आ चुके हैं लजीज वाइब्स कैफे से, और अब हम चलते हैं पिथौरागढ़ की तरफ।
कैसा रहा अभी तक का सफर? बहुत ही बढ़िया। अभी लगभग हमने कितना किलोमीटर और तय करनी है दूरी? 60 ही। पिथौरागढ़ की 65 ऐसी होगी शायद, 60-70। चलें फिर। चलो तो दोस्तों, फाइनली घर पहुंच चुके हैं और ये हमारा टूर खत्म हो चुका है। बाकी अब आपसे मिलते हैं अगले टूर पे एक अगली वीडियो के साथ। बाकी चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाकी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा।